हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है उनके लिए जिनको लगता है कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत सारे स्ट्रगल है। और कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिनको लगता है कि जब तक क्या कहते हैं उसको, बाल वाल पूरा बिखरा हुआ ना हो, दाढ़ी वाड़ी ना बन जाए, बढ़ जाए, मतलब आईएएस की तैयारी और पीसीएस की तैयारी में जब तक गरीब और भिखमंगे जैसे नहीं बन जाए, इस तरह का पागलपन सवार ना हो जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता टाइप। अगर फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं तो लोगों को लगे कि नहीं, ये स्टूडेंट बिल्कुल बेसुध है यूपीएससी की तैयारी में, और इसको होश ही नहीं है अपने कपड़े का, बाल ठीक करवाने का, नहाने का। तो सबसे इसको वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ जो एग्जांपल्स हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूं। इनको देखिए, ये हैं अनिल बसक, बिहार के हैं और ये हॉकर के बेटे हैं। हॉकर मतलब जो रिक्शा और ठेले पे जो सामान लेके बेचते हैं, स्टैंडर्ड में फेल। भानु चंद्र गोस्वामी, ये फुल्ली स्टाइलिश पर्सन, उस समय जब ये तैयारी किया करते थे सभी लड़कियों के क्रश हुआ करते थे और बॉडी बिल्डिंग का शौक। सचिन अतुलकर, इनको तो सब जानते हैं, देखो कितना फिट कपड़ा पहन के बिल्कुल सिंघम के स्टाइल में, ये आईपीएस अधिकारी। श्रुति देशमुख, चारों तरफ सोशल मीडिया पे छाई रहती है अपने स्टाइल के कारण, स्टाइल और काम के कारण। यहां पे आप दो को देख रहे हैं, ये दोनों बहुत ही फेमस है, बताने की जरूरत नहीं है। ये जो है आईएएस शेख अंसार अहमद, यंगेस्ट हैं और इनको भी आप बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही एक्टिव आईएएस के रूप में जानते हैं। इनको भी लगभग सभी लोग जानते होंगे, गोविंद जायसवाल, रिक्शा चलाते थे इनके पिता, ये भी आईएएस बने और उस समय के यंगेस्ट आईएएस में ये थे। उसके अलावा ये तीनों भी अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल को हराकर ये आगे निकले। तो आप लोग में से जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहता है, कई सारी समस्याएं हैं, तो कुछ जो मिथक है, कुछ माइथ्स जो है उसको हटा दीजिए। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के दौरान कई सारी चीजें हम लोग सुनते हैं और कई बार इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों से सुनते हैं जिनको यूपीएससी होता क्या है, एग्जैक्ट कितने एग्जाम लेती है, कैसे क्या सिलेबस है, कुछ पता ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे स्कॉलर आ जाते हैं जिन्होंने गांव के बाहर कदम नहीं रखा है, जिनको एबीसीडी अ और आ पढ़ने नहीं आता है, लेकिन उनको भी पता है यूपीएससी कैसे निकाला जाता है। कई सारे धुरंधर है, ठीक है, उनको एक पता है, उनको इतना पता है कि यूपीएससी आसान नहीं है। यूपीएससी निकालने वाला जो होता है वो एक अलग कैटेगरी का होता है, या बीपीएससी पीसीएस भी वो अलग कैटेगरी का होता है, वो मतलब चांदी के चम्मच लेके ही पैदा लेगा, वो थ्रू आउट टॉपर होता है, पैसे बहुत अधिक चाहिए और जो है एकदम समर्पण चाहिए, साधु संत जो बनने वाला, जो दाढ़ी वाड़ी जटा वटा लगा लेते हैं ना, उस तरह का डेडिकेशन चाहिए एग्जामिनेशन निकालने के लिए। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। इसका अभी अभी खास करके इसका कोई रिलेशन नहीं है आईएएस और पीसीएस बनने से, क्योंकि आज के डेट में आपकी अगर एकेडमिक पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं भी हुई है तो बहुत सारे अब इतनी अच्छी अच्छी किताबें और इतनी अच्छी अच्छी नोट्स आ गए हैं कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इवन 10 तक कौन पढ़ता है आजकल, तो अच्छे एक स्कूल आ गए हैं जिसके कारण पढ़ाई होती है, तो पहले 10 तक कौन पढ़ता था, 12 सोचो, छोड़ो ना, ग्रेजुएशन तक कौन पढ़ता था। मैं अभी कॉलेज में गया था तो वहां पे बच्चे लोग चीट तैयार करवा रहे थे, कंप्यूटर वाले से चीट ले रहे थे, माइक्रो में प्रिंट करवा रहे थे, उसके अंदर क्या था, मानसून की विशेषताएं क्या होती है। अब उसमें परेशान परेशान मुझे लग रहा था यही, मतलब एक ये एज होता है और यही अगर स्पीसीएस की तैयारी करने लगेंगे तो ये सवाल इनके लिए कुछ नहीं होगा। तो ग्रेजुएशन तक अक्सर हाँ लोग लापरवाह होते हैं, खासकर इंटर तक तो होते ही होते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, अगर एकदम ही नहीं पढ़ा है तो साल से दो साल। और आप में से ही
जिसके पास वो दो चार पांच क्वालिटी है वो एग्जाम क्रैक करेगा, फर्क नहीं पड़ता है कि आप गांव के हैं कि आप कहां के हैं। तो ये भ्रम बिल्कुल दूर कर लीजिए कि थ्रू आउट आपको पास होना, एक अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है। आप अच्छे स्टूडेंट कभी भी बन सकते हैं, तो इस भ्रम को पहला दूर कर लीजिए। दूसरी कि गरीब है नहीं पढ़ पाएंगे, ये बहुत पहले एक हद तक ठीक था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सस्ती चीजें अच्छी क्वालिटी कंटेंट इतने अवेलेबल है, इतनी वैरायटी है, इतने ऑप्शन है कि अब ये शिकायत तो शायद ही कोई कर सकता है कि अब पैसे के कारण हम नहीं पढ़े, ये अब नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको जमीन बेच के भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप शार्प दिमाग के हैं, आप अच्छी और खराब चीजों के अंतर कर पाते हैं, तो आप बहुत कम कीमत पे, बहुत कम कॉस्ट पे आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं और प्रॉपर निकाल सकते हैं। क्योंकि कई सारे नोट्स, किताब, इंस्टीट्यूट, ये सब मतलब इतने अब कंपटीशन इस लाइन में भी इतना आ गया है कि बहुत सारी चीजें बहुत इजीली और बहुत कम कीमत पे और अच्छे कंटेंट के साथ अवेलेबल है। और गांव के हैं तब नहीं निकाल सकते, शहर के तो ये भी दूरी खत्म होगी। डिजिटल इंडिया आ गया, डिजिटल एजुकेशन के दौर में आप भी उतने ही कैपेबल हैं जितने कोई गांव के अंदर है और जितना कोई शहर के अंदर है। आप गांव के अंदर रह के भी एग्जाम निकाल सकते हैं। हर साल ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो गांव के अंदर घर के अंदर सारी जिम्मेवारियों के साथ एग्जाम निकालता है। एक और माइथ कि हमें पूरी तरह से अगर समर्पित होना है तो हमको अपने कपड़े पे ध्यान नहीं देना है, हमको कोई भी बाहरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर नहीं जाना है, खुद को काट कूट के एक जगह कोने में रख लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं वो प्रॉपर मेंटेन करना है, कोविड में करे ना करे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के दौरान हमें करना ही करना है, तो ऐसा नहीं है। ये भी गलत बात है। इसलिए गलत बात है कि ये आपके फोकस और डेडिकेशन, आपका लेवल क्या है इस पर डिपेंड करता है। आपका अगर उस लेवल पे है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फुल्ली स्टाइलिश रहो ना, आप फुल्ली स्टाइलिश रहिए, आपके कॉन्फिडेंस आपको इस एग्जाम में जितनी पढ़ाई की जरूरत है उससे कहीं बहुत कई गुना ज्यादा आपको एक अच्छे पर्सनैलिटी की, एक अच्छे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और एक अच्छा पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस आता तब है जब आप फिट फाट रहते हो। इसका ये मतलब ये बिल्कुल ही नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते ही पहनते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ही संसाधन है आप उसमें चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज से लेकर सारा कुछ मेंटेन करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, अब नहीं रहा इस दुनिया में, दो तीन ही चार सेट कपड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा मैं डिसिप्लिन्ड और फिट इंसान मैंने नहीं देखा। मतलब सवाल ही नहीं उठता था, हमारे कपड़े तो कभी गंदे भी हो जाते थे, सवाल ही नहीं उठता था उसको, उसका जो तीन चार सेट जो भी था उसमें कभी क्रीच टूटा हो, यानी आयरन वाला, और कभी वो गंदा रहा हो, एकदम फिट फाट और झकास उसी में वो स्मार्ट लगता था। तो मतलब उसे क्या होता है, एक एनर्जी लेवल, एक कॉन्फिडेंस आता है, आप साय फील नहीं करेंगे, और ये बहुत ही जरूरी है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे। तो एक प्रॉपर जो ड्रेसअप होता है ना, जो मतलब इसके लिए इसका कोई रेंज नहीं है, आप जहां पे हैं एक प्रॉपर ड्रेसअप के साथ, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आपका होना और आपका पढ़ना दोनों ही जरूरी होता है। तो ये बिल्कुल ही नहीं है कि फटे पुराने और एकदम से आधे पागल वाली स्थिति के अंदर पढ़ाई करनी है। एकदम से जो सामान्य सा शेड्यूल है 4 से 5 से 6 घंटे का, उसको भी अगर आप डेडिकेशन के साथ मेंटेन करते, 16 घंटे वाला कहानी खत्म हो गया। 16 घंटे का तब था जब बहुत किताब पलटने पड़ते थे, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन है सीधा गूगल टाइप करेंगे और आपका काम 5 मिनट में हो रहा है। जो काम पहले आप 8 घंटे में करते तो वो काम आज 10 मिनट में हो रहा है, तो आपको क्या जरूरत है 2 घंटे की? अब वो 16 घंटे की जरूरत कहां है? आपके पास रिफाइन नोट्स है, रिफाइन सोर्सेज है, प्रॉपर गाइडलाइन है, अब 16 घंटे क्यों नहीं चाहिए? तो ये जो माइथ है और इसको एकदम दूर कीजिए। एकदम वेल ड्रेस्ड रहिए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहिए, बेहतर खाना खाइए, जिम जाइए, म्यूजिक सुनिए, फिल्म देखिए, मूवीज देख, जो भी करना है कीजिए, साथ में पढ़ना भी है पढ़िए, और साथ में आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कैसी रही है, क्या रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके बाद जब आपने सोचा कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, तब आप क्या कर रहे हैं फर्क इससे पड़ता है।
तो वहां पे आप एकदम से फोकस होकर एग्जाम की तैयारी कीजिए, और ये सारी जो है ना चीजें, सारा जो भ्रम है इसको दूर कर लीजिए। सिर्फ आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए हर एक ऑब्स्टेकल को तोड़ने के लिए। यूपीएससी से लेके पीसीएस कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे, और ऐसे ऐसी चीजें हर साल देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल। कभी कोई रसोईया बन गया, कभी कोई कहीं, और नौकरी करते हुए तो अधिकांश लोग क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है ना, वो एक अलग होता है, उसका एक अलग इंपैक्ट ही है। वो घंटे में आप कंपेयर करोगे तो वो नहीं आएगा। अगर आप फुल्ली स्टूडेंट हैं, आप किसी पे फिनेंशियल डिपेंडेंट हैं, और आप 24 घंटा पढ़ रहे हैं, और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी खासी आपकी सैलरी है, और तब आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो वो 6 घंटा कहीं ना कहीं 24 घंटे पे भारी पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, और आईएएस की ट्रेनिंग करते हुए, दरोगा की ट्रेनिंग करते हुए, मैंने सब करते हुए लोग एग्जाम निकालते हैं। क्यों? आपसे ज्यादा पढ़ते नहीं, आपसे कम टाइम उनको मिलता है, लेकिन अंदर से जो उनको कॉन्फिडेंस है ना उनका, वो उनको आगे निकाल देते हैं। तो बेहतर है कि आप जिनको भी आगे तैयारी करनी है, अगर मन बना लिया है, तो आप तैयारी कीजिए जम के, बिना कुछ सोचे समझे कि आप कहां हैं, कैसे हैं और किस स्थिति में हैं। आप उस सबको तोड़ के आगे निकल सकते हैं।